ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जो इंफॉर्मेशन मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं, जो मेरी सोच, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा आइडिया, मेरा प्लान ऑफ एक्शन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपने आज तक ऐसा आइडिया, ऐसा प्लान आपने कभी सुना नहीं होगा, ना ही कभी कहीं आपने देखा होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? या सो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री ओवर हियर। ओके, एंड आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय। एफर्ट में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करता हूं। मैं आपको एफर्ट दिखाने वाला हूं कि भैया व्हाट इज माय प्लान ऑफ एक्शन। या लेकिन उसको बताने से पहले बेसिक्स चीजें हम कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो सबसे पहला चीज, सब लोग चैट में अपने टीम को, अपने आप को, इस 5 लेंस सेल्स के फैमिली को वेलकम करिए। सब लोग अपनी उंगलियों से ये टाइप करिए चैट में, वेलकम ऑल टू आर बिलियनर फैमिली। ये तुम्हारा, दिस इज द फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दिस, वेलकम ऑल टू आर बिलियनर फैमिली, नंबर वन। तो सब लोग चैट में डाल के एक दूसरे को वेलकम करिए। ये वेलकम क्यों करना है? क्योंकि आप अपने ब्रेन को कमांड देते हो, अपने ब्रेन को आदत देते हो दैट आई एम अ बिलियनर और मैं अपने लोगों को वेलकम कर रहा हूं मेरे बिलियनर फैमिली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवेरे सवेरे ये अच्छी खुराक, ये अच्छा खुराक, अच्छी आदतें, अच्छा कमांड अपने ब्रेन को देने के लिए चूकना नहीं। जैसे सवेरे सवेरे हम अपने पेट को अच्छा नाश्ता देते हैं ताकि दिन अच्छा जाए, उसी तरह सवेरे सवेरे आपको अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को अच्छी खुराक देनी है, ठीक है? तो ये सब लोग कर। नंबर टू, मैं ये जानना चाहता हूं कि कल कितने लोगों ने रेफर किया है, कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग की है, जरा हैंड रेज करिए क्विकली। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ग्रेट, शानदार, शानदार, शानदार। और जितने भी लोगों को नहीं पता कि हैंड रेस कैसे करना है, तो जूम पे जाइए। जूम पे नीचे राइट हैंड साइड पे आपको MORE, मोर होगा। जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? वहां पे आपको चैट भी दिखता है। ग्रेट। तो जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, आप सब लोगों को मुबारका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने इच्छाएं, अपना, अपने सपने, अपना गोल, आपका जो भी टारगेट आपने बनाया है, 100% आप अचीव करने वाले हैं। नो सेकेंड थॉट फॉर इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारका। अभी जो लोग नहीं कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, अभी भी कंफर्ट जोन में हैं, अभी भी लिथार्जिक है, आलसी है, या फिर एक दिन करते हैं, एक हफ्ता सोते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर 2 हफ्ता सोते हैं, अगर ऐसे कुछ हरकतें अगर आप कर रहे हो, तो थोड़ा नॉक नॉक, चेक चेक, अपने आप को जरा आईने में खड़े रखकर अपने आप को पूछो कि भैया आप 5 बिलियन सेल्स में क्यों आए हो? आप 5 बिलियन सेल्स में क्या कर रहे हो? क्या आप 5 बिलियन सेल्स में नेटवर्किंग कर रहे हो क्या? क्योंकि नेटवर्किंग का फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग, रजिस्ट्रेशन, राइट? तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपने आप को जरा पूछ लो, अपने आप को आईने में देख के पूछ लो कि प्रिया, क्या आप अपने बटुए का वजन बढ़ा रहे हो? नहीं रहो। अपने आप को पूछ लो जरा कि भैया आप अपनी फैमिली को एक अच्छी से अच्छी जिंदगी देने का जो आपने प्रण किया है, आपने कमिटमेंट लिया है अपने आप से 365 डेज में, क्या कर रहे हो आप? आपका जो कमिटमेंट है अपने लिए, टू गिव द बेस्ट, द बेस्ट लाइफस्टाइल टू योरसेल्फ, उसके लिए आप हर रोज क्या कर रहे हो?
आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो वो सर्वाइवल के लिए होता है। हम जॉब करते हैं सर्वाइवल, या बेटर लाइफ करना है। सेकेंडरी इनकम इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू हैव टू हैव अ सेकेंडरी इनकम। तो अगर आप 5 बिलियन सेल्स नहीं कर रहे हो तो यहां पे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, राइट? अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो। हाँ, आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है पता नहीं है, सपोर्ट चाहिए, आपके स्पॉन्सर के पास जाइए, आपके अपलाइन के पास जाइए, मेरे पास आइए। अगर आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करता, अगर आपका स्पॉन्सर, अगर आपका अपलाइन नालायक है, उसने आपको पैदा करके अनाथ कर दिया, अगर ऐसी कोई कहानी है तो बताइए, क्योंकि ये जूम मीटिंग में है, ये जूम मीटिंग कॉमन मीटिंग है। इस जूम मीटिंग में आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपका अपलाइन कौन है, आपका लीडर कोई नहीं पूछेगा। आप आइए, बढ़िया सा यहां से आप सारा नॉलेज लीजिए, सपोर्ट लीजिए और बढ़िया सा अपना टीम खड़ा करिए। कोई आपके स्पॉन्सर के लिए, आपके अपलाइन के लिए कोई दिल खट्टा मत करिए। उनकी जो फितरत है, उनकी जो आदत है, उन्होंने जो किया छोड़ दो, भूल जो, आप अपने दिल में कोई मैल मत रखना। क्योंकि अगर आप अपने दिल में मैल रखोगे तो होता क्या है, आपका दिमाग वो कैप्चर करता है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में वो मैल नहीं रखना, भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ते हैं। ये फोरम आप लोगों के लिए, सपोर्ट के लिए, जो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को काम करना है, जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना है, ठीक है? ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जरा हैंड रेस करेंगे? कोई यहां पे है जो ये सेशन को पहली बार अटेंड कर रहा है? अरे ग्रेट, शानदार, मतलब काफी लोग हैं। जो लोग हैंड रेज नहीं किए हैं, एब्सोल्युटली फाइन। जो लोग हैंड रेज किए हैं, सर मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे फैमिली में आने के। मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जितने भी नए लोग हैं, शायद आपके लिए वो इंफॉर्मेशन नया हो। आपने ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी प्लानिंग, ऐसा काम आपने आज तक नहीं किया होगा। यू आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू राइट अ हिस्ट्री। हम यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हैं कि सर अभी तक हमने किया नहीं है, क्योंकि पूरे जिंदगी भर हमने सिर्फ एमएलएम किया है। सो आई एम गोइंग टू कम टू दैट टॉपिक, ओके? जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। ग्रेट। तो आप सब लोगों को मुबारक का, वेलकम ऑल टू आर 5 बिलियन सेल्स फैमिली, वेलकम टू आर बिलियनर फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज सवेरे सवेरे उठ के कितने लोगों ने मेडिटेशन किया है, जरा एड्रेस करिए। आज सवेरे उठ के कितने लोगों ने मेडिटेशन किया है, जरा हैंड रेज करिए। शानदार, शानदार। आप लोगों के आदतों में आ चुका है ना, है ना? दिस इज वॉट, अगर अच्छी आदतें, अच्छी चीजें की लत लग गई ना, तो आपके बटवे की वजन तो बढ़ना ही बढ़ना है। जितने लोगों ने मेडिटेशन रोज कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, अपने अपने तरक्की के लिए मेडिटेशन, सब मुबारक का, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। अभी जितने भी लोग मेडिटेशन अभी तक उनको आदत नहीं हुई है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं, सर थोड़ा सा आदत कर लो। मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइज देता हूं, जो लोग भूल गए हैं, जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया है, या फिर जो लोग नए लोग हैं, सर ध्यान से सुनिए मैं आपको जो बोलने वाला हूं, और मेरे पीछे पीछे उसको बोलिए, उसको दोहराइए। और आपको ये सवेरे उठने के बाद, आपके पूजा पाठ, आपके नमाज के बाद, आपके प्रेयर्स के बाद, आपको 5 मिनट अपने लिए देना है, 5 मिनट अपने लिए देना है। और उस 5 मिनट में आपको क्या दोहराना है, क्या बड़बड़ाना है, आपको ये एक्सरसाइज मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से, जो लोगों ने नहीं किया है, ध्यान
से सुनिए और मेरे पीछे बड़बड़ाइए, मेरे पीछे दोहराइए जो कर रहे हो, ठीक है? सब लोग रेडी? और जिन लोगों ने किया है मेडिटेशन वो लोग भी मेरे पीछे दोहराइए, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? सो लेट मी क्विकली रिपीट। सब लोग अपने आंखें बंद कर सकते हैं, या अगर आप आंखें खोल के करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली उस चीज के होने, जो हम बातें बोलने वाले उसके ऊपर होना चाहिए। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब आप वो बड़बड़ाओगे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर जो भी है, इट हैज टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव सोच से, क्रिटिक से बिल्कुल बड़बड़ाना नहीं, क्योंकि आपका दिमाग का जो सिग्नल का उसका जो एंटीना है ना, बहुत खतरनाक होता है। अगर आप कुछ बोल रहे हो, सामने लोग लग रहा पॉजिटिव, लेकिन आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके आपके मन में वो नेगेटिव है, आपका दिमाग पहला वो नेगेटिव पकड़े, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी आप कर रहे हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर करो, ठीक है? चलो मेरे पीछे दोहराओ अभी। आज मैं 5 बिलियन सेल्स में 5 लोगों को रेफर करने वाला हूं। 5 लोगों का मतलब है $500। $500 का मतलब है 40,000। 40,000 का मतलब है हर महीने मैं मिनिमम 12 लाख कमाने वाला हूं 5 बिलियन सेल से जिंदगी भर। एक और बार रिपीट करें, एक और बार दोहराए इसको। आज मैं 5 बिलियन सेल्स में 5 लोगों को रेफर करने वाला हूं। 5 लोगों का मतलब है $500। $500 का मतलब है 40,000। 40,000 का मतलब है हर महीने मैं मिनिमम 12 लाख कमाने वाला हूं 5 बिलियन सेल से जिंदगी भर। सब लोगों ने दोहराया। अभी जरा सोच के देखिए कि जब आप ये दोहरा रहे हैं, आपका माइंडसेट, आपका दिमाग, आप व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, जरा जो आपने बड़बड़ाया है उसके बारे में जरा गौर करिए कि 12 लाख मैं हर महीने कमाने वाला हूं मिनिमम जिंदगी भर। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका सोसाइटी में स्टेटस, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस, सर कैसे रहने वाला, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू आर गोइंग टू लीव, कि अगर आप 12 लाख हर महीने कमाते हैं, या किसी क्लास वन ऑफिसर, गवर्नमेंट में क्लास वन ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर, उसका भी इतना तनखा होता नहीं है। राइट? तो ये आपको बड़बड़ाना है हर रोज सवेरे सवेरे उठ के, आपके पूजा पाठ कर लो, आपके प्रेयर्स कर लो, आपके नमाज पढ़ लो, उसके बाद में ये 5 मिनट आपको अपने लिए देना है, मतलब देना है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो लाइबिलिटी, जीरो ऑब्लिगेशन में अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, तो आपको ही करना है। या वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हर रोज की तरह हम डेली डेटा वैलिडेशन करते हैं, और मैं ये समय की राह देखता हूं, मैं आप लोगों के सामने मैं अपना डेटा वैलिडेट करता हूं,
वैलिडेट करने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा आज कि आपको कान में तेल डालकर सुनना है आपको, और उसके बाद में आपको आपकी मन की बात उस टॉपिक के ऊपर जो आपने सुना उसके ऊपर आपकी आपकी प्रतिक्रिया आप आपका रिएक्शन आपको व्यक्त करना है, आपको बताना है कि ये सोच क्या नेक पाक अच्छी सोच है या नहीं है, ये आपको आपकी मन की बात बतानी है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ओपन फोरम, ठीक है। तो अगर कोई ड्रॉप हो जाता है सर बैड लक, लेकिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते, आप लोगों को अपने लोगों को सुना सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी क्विकली वैलिडेट करने दीजिए, देखिए मैंने पेज को मैंने रिफ्रेश किया है, जैसा पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ देखिए यहाँ पे हरा पट्टा आ गया, क्लिक हियर टू वैलिडेट योर सेल डाटा नाउ, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वैलिडेशन का पेज आ गया, मैं वैलिड इसको 5 मिनट में आपको वैलिडेट करना, तो मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख के आता है वैलिडेट योर डाटा, क्लिक ऑन टू ऑफ द एडवर्ड्स टू प्रूव यू आर नॉट अ बॉट, मतलब नीचे दिए गए 4 एडवर्टाइजमेंट में से 2 एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर इंसान हो मशीन नहीं हो, ठीक है। तो भैया मैं तो इंसान हूं तो मैं प्रूव करूंगा मैं कि भैया मैं इंसान हूं और मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे ये पेज खुलेगा मैं बैक मार दूंगा, ये देखिए टिक मार्क आ गया, उसके बाद में मैं तीसरे लिंक पे क्लिक करूंगा, जैसा पेज खुल गया फिर मैं बैक मार दूंगा, जैसे मैं ब्लैक मारूंगा ये देखिए सक्सेस का पेज आ गया, यू हैव वैलिडेटेड योर डाटा एंड योर इनकम हैज बीन अपडेटेड, तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगा ये देखने के लिए कि भैया कि क्या मेरा इनकम अपडेट हुआ है या नहीं, ये देखिए आज का डेट वैलिडेटेड गुड डाटा $1.1 क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो आज टिल टूडे कितना हुआ है क्रेडिट, ये देखिए ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे सब लोगों का डेटा क्रेडिट होता है, तो अगर आपको हर हफ्ते में एक बार आपको अप्रूव करना है तो चेक एंड अप्रूव योर अर्निंग पे क्लिक करके आपको हर हफ्ते मतलब एवरी मंडे आप कर सकते हो या फिर कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक कल्चर हमने एक अपना एक सिस्टम बनाया है ना, तो हर मंडे को जाकर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम पे आपको डिस्प्यूट और अप्रूव ऑप्शन आता है, तो अप्रूव पे क्लिक कर देना, ठीक है। ग्रेट, अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, गारंटेड सेल्स। सब लोग ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को चाहिए तो पेन और पेपर लेके रखिए अपने पास ताकि आप कोई चीज भूले नहीं, और आप बार बार यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। आज गारंटेड सेल्स जितने भी नए लोग हैं आप लोगों के लिए एक रिफ्रेशमेंट मैं दे देता हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि गारंटेड सेल्स क्या चीज है। देखिए आज ऑनलाइन के बिजनेस में मतलब मार्केटिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दो चीजें आ गई ना, हम ऑफलाइन भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे एडवर्टाइजमेंट भी होता है मार्केटिंग भी होता है, राइट। ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे होता है, अखबारों में इश्तिहार दे दो, मैगजीन में इश्तिहार दे दो, केबल टीवी पे इश्तिहार दे दो, टेलीविजन पे दे दो, होर्डिंग्स बैनर पैम्पलेट जो करना है करो, ये सारा क्या होता है ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट, राइट। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैसे होता है भैया, आप फेसबुक पे जाते हो, ट्विटर में जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप लिंक्डइन में जाते हो, अमेज़न के पास जाते हो, यूट्यूब के पास जाते हो, गूगल के पास जाते हो, क्यों जाते हो आप इन सब लोगों के पास, क्योंकि इन लोगों के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाटा बेस, फेसबुक और अमेज़न के पास सबसे ज्यादा डाटा है ना पूरी दुनिया का। तो आप क्या करते हो, अगर आपको ऑनलाइन अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए आप उनके पास चले जाते हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपका प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रचार करते हैं, राइट, प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने के लिए भी वो फ्री तो नहीं करते हैं ना, वो आपसे पैसा लेते हैं ना, वो 1 महीने का या फिर 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और
सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फिर वो प्रोडक्ट आपका प्रमोट करते हैं। अभी सिर्फ प्रमोट करते हैं मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, किसको पसंद आएगा किसको पसंद नहीं आएगा, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा कुछ नहीं पता। कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपको गारंटेड सेल्स, आपको गारंटेड सेल्स नहीं बोलता कि भैया आप हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रचार करिए, एडवर्टाइजमेंट करिए आपके प्रोडक्ट का और हम आपको गारंटेड सेल्स देंगे। आज तक हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री में आज तक किसी ने ये बात बोला नहीं, गारंटेड सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको। अभी हम आते हैं 5 बिलियन सेल्स। 5 बिलियन सेल्स क्या बोलता है कि भैया अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको बेचना है ऑनलाइन, तो आप वो प्रोडक्ट को हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में 5 बिलियन सेल्स में, तो 5 बिलियन सेल्स बोलता है कि हम आपको आपका प्रोडक्ट गारंटेड बिकवा के दें। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिए, गौर करिए चीज के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट जो ऑनलाइन बेचने के लिए आप यहां वहां मार्केटिंग करते हैं, 5 बिलियन सेल्स बोलता है अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका आपका प्रोडक्ट बिकवा के दे। अभी कितना बेच के देंगे बोलो, कितना प्रॉफिट हमें निकाल के देंगे? तो 5 बिलियन सेल्स बोलता है कि हर क्वार्टर, क्वार्टर होता है 4 महीने, ठीक है, हर 4 महीने में, साल में 3 बार, 3 क्वार्टर होते हैं, साल में 3 बार, हर क्वार्टर में $155,000, मतलब इंडियन करेंसी में होता है 1,20,00,000 हर क्वार्टर में। तो हर क्वार्टर में 1,20,00,000, तो साल का कितना हो गया, 3,60,00,000 का सेल, मतलब प्रॉफिट करवा के देंगे। ठीक है, अभी ये जो प्रॉफिट होगा $155,000, मतलब 1,20,00,000 हर क्वार्टर में, तो 5 बिलियन सेल्स का कंडीशन क्या है कि जब आप प्रॉफिट कमाओगे, मतलब क्या, क्योंकि भैया अगर जब आप जब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचेंगे 5 बिलियन सेल्स में लेके आएंगे, तो पैसा तो पहले आपके अकाउंट में आने वाला है ना, क्योंकि भैया करंट अकाउंट तो आपका होगा, प्रोडक्ट कस्टमर बेचेगा खरीदेगा तो पैसा तो भला वो आपको पेमेंट करेगा ना, तो पैसा तो आप ही के अकाउंट में आने वाला है। तो 5 बिलियन सेल्स क्या कहता है कि जब आप $155,000 जब आपके अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में आने के बाद आपको 5 बिलियन सेल्स के साथ 34% आपको प्रॉफिट शेयर करना। ठीक है, तो 1,20,00,000 का 34% आपको 5 बिलियन सेल्स से शेयर करना है, बचा जो 66% है, मतलब लगभग हो जाता है 84 लाख हर क्वार्टर में आपका प्रॉफिट होगा, 84 लाख नेट प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, अभी ये करने के लिए आपको करना क्या है, आपका प्रोडक्ट का आपको प्रचार करना है 5 बिलियन सेल्स में। तो प्रचार करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट खरीदना है ना, तो एडवर्टाइजमेंट खरीदने के लिए बोलते भैया एक एड, एक प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है, एक एड खरीदना है, तो एक एड की कीमत है $269, मतलब 22,000। एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 22,000 आप दोगे, आप एड खरीदोगे और उस एड के ऊपर अपना प्रोडक्ट को आप चढ़ाओगे। दिस इज व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट डूइंग ऑन 5 बिलियन सेल्स। ठीक है, अभी आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर अगर उन्होंने अपने को हमें प्रॉफिट नहीं दिया तो, अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका तो सिंपल है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिया है कि अगर हमने आपको $155,000 का अगर हमने आपको बिजनेस नहीं दिया तो 34% जो प्रॉफिट शेयर है वो लोग वो नहीं लेंगे आपसे। 34% का जो प्रॉफिट शेयर है वो वेव ऑफ कर देंगे और आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैरी फॉरवर्ड, मतलब वो फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स है, मुझे आपको स्टेप्स में लेके जाना नहीं है,
ये पूरा आपका प्रोडक्ट जब चढ़ाते हो ना प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो सारा चीजें करेंगे। ठीक है, समझ गए जितने भी नए लोग हैं सब। अभी सवाल आता है कि मैंने एक बम्पर ऑफर निकाला था, राइट? वो बम्पर ऑफर में क्या था कि भैया अगर आप अगर आप मुझे एक एड का खर्चा कर देते हैं, कॉस्ट देते हैं, मतलब यहां पे देखिए मैंने एक एड खरीदोगे तो $269, राइट? तो लेकिन अगर मैंने 8 एड खरीदे तो कितने में पड़ेगा? 1280। तो 1280 को डिवाइडेड में 8 करो तो वो पड़ जाता है $160, मतलब एक एड 22,000 में। और अगर आपने एट ए टाइम 8 एड खरीदा तो वही एडवर्टाइजमेंट, वही एड आपको पड़ता है ₹13,500। तो मैंने बम्पर ऑफर क्या डाला था कि मेरा, मैंने एक आइडिया लगाया। देखिए आइडिया देखिए कैसे कैसे आते हैं कि भैया आप मुझे 13,500 दो और मैं आपको जैसा मेरा पेमेंट, पहला पेमेंट आ जाएगा मैं आपको 50% रिटर्न कर दूंगा। अभी वो ऑफर क्लोज हो गया, ठीक है, वो तो सब लोग आ चुके हैं उसके अंदर, हमने एड्स खरीद लिए। और जो प्रोडक्ट हम प्रमोट करेंगे वो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो 50-50% होगा, क्योंकि मैंने आपका जो आपने मुझे ऐड के लिए दिया था उसका 50% आपको मैं रिटर्न करने वाला हूं, तो आप मेरे 50% के भागीदार होंगे। यू आर माई पार्टनर इन माई प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हैं। 50% आपका मतलब साल का कितना हो गया आपका इनकम? 1,20,00,000। 1,20,00,000 आपका, 1,20,00,000 मेरा, ठीक है, एक एड के ऊपर। तो ऐसे जितने भी लोगों ने एड खरीदे हैं, लेकिन अभी एड तो हो गए लेकिन सब लोग नहीं आए, सिर्फ 100 एड हमने खरीदे। उस 100 एड में 20 मैंने खुद खरीदे हैं, मेरे पर्सनल है, लेकिन वो मकसद नहीं था। मैं चाहता हूं कि हर बंदा, जितने भी लोग हमारे 5 बिलियन में, हमारे टीम में जितने भी लोग आने वाले हैं, हर बंदे के नाम पर एक ऐड हो। हर बंदे ध्यान से, अभी यहां से आपका आपका मूवी शुरू हो रहा है, मैं आपको पूरा, मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, ध्यान से सुनिए मैं अभी क्या बताने वाला हूं। तो मेरा मकसद था कि यार नहीं, हर बंदे के पास एक ऐड होना चाहिए। तो उस एक ऐड के लिए करना क्या है, क्या न, क्या ऐसे क्या तरीका निकालू, ऐसा क्या आइडिया निकालू जिससे हर बंदा गारंटेड सेल्स में आ जाए और गारंटेड सेल्स को अफोर्ड कर पाए। अफोर्ड बोल रहा हूं मैं, अफोर्ड। तो मैंने एक और प्लान निकाला, स्ट्रेटेजी निकाला। वो स्ट्रेटेजी में क्या है कि आप मुझे 1,350, 1,350 आप मुझे अपफ्रंट दो और मैं, आप गारंटेड सेल्स में आ जाओ। कैसे कैसे आने वाले हैं? मैं 1,350, 1,350 ऐसे में 10 लोगों से लूंगा। तो जब मैं 10 लोगों से लूंगा तो 10 लोगों से लूंगा तो एक ऐड का खर्चा आ जाता है 13,500। ऐसे मुझे आठ, मैं ऐसे आठ टुकड़े, आठ टीम बनाऊंगा, 10-10 लोगों का आठ टीम बनाऊंगा। तो जब आठ बन जाए, आठ टीम बन जाएंगे, तो फिर मैं एक ऐड खरीद, ऐसा मैं ये पूरा आठ का पैकेज खरीदूंगा 1,280। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो एड आ गया 1,350। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो हिस्सा है, 10वां हिस्सा आपका, मतलब 1,20,00,000 का 10वां हिस्सा कितना हो गया? 22,00,000। बराबर, मतलब 1,350 में आपका हिस्सा होने वाला 22,00,000। अभी ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने सेकंड स्ट्रेटेजी, सेकंड प्लानिंग करके जो मैं सब लोगों को एनकरेज कर रहा हूं कि भी आप गारंटीड सेल्स में आओ, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं एक पैसा नहीं लेने वाला हूं यहां इसमें से। 100% मैं ये पैसा जो प्रोडक्ट हम प्रमोट करेंगे और उस प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट आने वाला है वो पूरा प्रॉफिट मैं 10 के 10 लोगों में बांटूंगा। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं थोड़ा बहुत एडमिन चार्जेस में लूंगा, ठीक है। वो एडमिन चार्जेस क्या है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको, क्योंकि काफी लोगों ने सवाल किए मुझे कि सर हम पैसे तो दे रहे हैं तो क्या आपको प्रोडक्ट भी आपको देना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा क्या, या फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो
ये सर जो सारे चीजें जो सवाल आ रहे हैं ना आप लोगों के, बहुत जायज सवाल है। सारे सवाल के जवाब आज आपको मिलने वाला है, ध्यान से सुनिए आप। आर यू रेडी? ग्रेट। अभी मैं आपको मेरा थॉट प्रोसेस बताता हूं, ठीक है, कि ये मैं क्यों कर रहा हूं और ये आइडिया मुझे आया कि देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि मैं अपना वेबसाइट बना रहा हूं, राइट। और ये मैंने एंड तक वेबसाइट बनेगा, ठीक है। वेबसाइट में क्यों बना रहा था, क्योंकि मैं जैसे कि ना मैं खुद अपने 100 एड में खुद खरीदने वाला था, खुद खरीद के मैं खुद अपने प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करना, क्योंकि मेरा मैंने एक मैन्युफैक्चरर से मेरी बातचीत हो चुकी है, सब कुछ डन डील हो गया है, सिर्फ मेरा वेबसाइट रेडी हो गया, क्योंकि मैंने रोजर पे का पेमेंट गेटवे ले लिया है, करंट अकाउंट ओपन हो चुका है, शॉपिंग लाइसेंस में ले चुका हूं मैं, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन, इट जस्ट ऑन द फाइनल स्टेज, ठीक है। तो इसलिए मैं उस काम में बिजी था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि भाई अपना प्रोडक्ट 5 मिलियन सेल्स प्रमोट करके अपने को प्रॉफिट जनरेट करके दे, राइट। तो ये इसी सोच में था मैं, लेकिन फिर बाद में मुझे कुछ चीजें खटक रही थी कि बोलते ना अंदर की जो आवाज आती है ना, वो कहते हैं कि यार तू 5 मिलियन सेल्स में क्यों आया है, 5 मिलियन सेल्स में तू नेटवर्किंग के लिए आया है, 5 मिलियन सेल्स में तू मतलब टीम खड़ा कर, और बोलते ना कि नेटवर्किंग का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर आपको जीतना तो आपको लोगों को जिता के देना है, राइट, अगर आपको कमाना है तो आपको लोगों को कमा के देना है। तो फिर अगर मैं अपना वेबसाइट बनाता हूं, मैं अपना प्रोडक्ट मैं अगर प्रमोट करता हूं, तो फिर उसमें आपका फायदा कैसे होगा, उसमें तो सिर्फ मेरा फायदा होगा ना। मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा या मेरे को 2 करोड़ 20 लाख एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो 100 प्रोडक्ट के ऊपर कितने हो गए, 250 करोड़, राइट, साल भर का 250 करोड़, तो पूरा ये मेरा प्रॉफिट होगा, इसमें लोगों का फायदा कैसे होगा। तो ये जो सोच है ना, ये सोच मुझे थोड़ा सा मुझे रेस्टलेस कर रही थी, मुझे थोड़ा बेचैन कर रही थी कि नहीं यार ये नहीं चाहता हूं, मतलब कमाना चाहता हूं भैया जो भी है, लेकिन मेरा जो पैशन है ना नेटवर्किंग के लिए, कि जब मैं लोगों को खुश देखता हूं, जब लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, तो मेरी उम्र बढ़ जाती है यार, मेरे को रात को बोलता ना, मुझे शाम को भूख नहीं लगती, जब मैं लोगों को जब मैं खुश देखता हूं मेरी भूख उड़ जाती है, लगती है कि बोला यार तुम नहीं जानते हो मेरी खुशी कहाँ पे है, या पीपल डोंट नो, लेकिन अभी धीरे धीरे मेरे घर वाले समझ रही है कि मेरी खुशी कहाँ पे है। तो बोला नहीं यार ये नहीं करना है मुझे, मुझे आई वॉन्ट टू सी पीपल हैप्पी, यार कुछ करना है मुझे। तो वो जो सोच जो थी मेरी, उस सोच को एक दिशा मिली। वो दिशा कैसे मिली, कि अंदर की जो मेरी आवाज, बोला यार तू अपने लिए वेबसाइट बना रहा है ना, तो अपने लिए ना बनाते हुए तू लोगों के फायदे के लिए वेबसाइट क्यों नहीं कर सकता। मतलब क्या, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि उस वेबसाइट पे तू लोगों के प्रोडक्ट भी प्रमोट कर और उनको फायदा बना के दे। तो ये जो आइडिया मेरे पास आया कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूं ना, कि भैया आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपको गारंटेड सेल्स में आना है, तो भैया आपका जो एड है, वो जो एड है मतलब मैं मुझे लेना पड़ेगा, आपको नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन फिर आप मुझे पैसा दोगे और मैं उस एड के ऊपर जो प्रोडक्ट जो मैं प्रमोट करूंगा, उस प्रोडक्ट से जो पैसा आएगा पार्ट के लेंगे। ये जो सोच है ना, ये सोच मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे दिल को सुकून मिला, मुझे इतना अच्छा, इतना फील होता ना, फील गुड फैक्टर आ गया कि यार हाँ यार यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो ये शुरू हो गया, तो ये कहानी वहां से शुरू होगी, ठीक है। तो फिर प्लानिंग मैंने डिजाइन किया कि हाँ भैया इसको कैसे करना है। तो फिर मैंने पहला जो लॉट आया, मैं पहले जो अपने 100 एड हमने 10 दिन के अंदर में 100 एड खरीद देते हैं, 100 एड, ठीक है। तो उसमें ऑफर क्या था कि भैया 50% 50-50%, आप मुझे $160 दो
मैं आपको $80 दे दूंगा पहले पहले पेमेंट के बाद, और बाद में जो प्रोडक्ट हम प्रमोट करेंगे उसमें 50% का हम भागीदार रहेंगे, 50-50%, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी, वो क्लोज हो गया, मतलब एड्स खत्म हो गए। अभी दूसरा स्ट्रेटेजी आ गया कि उन लोगों के लिए कि जो जो लोग $160 नहीं दे सकते, अरे $16 तो दे सकते हैं ना, $16 मतलब 1,350, तो 16,000 नहीं दे सकते लेकिन $16 तो हर कोई दे सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो फिर मैं बोला नहीं यार, $16 जब लोग देंगे तो फिर मैं $16 ऐसे करते करते 10 लोगों से $160 हो जाएगा, और फिर मैं 8 लोगों ऐसे 8 का टीम बनाऊंगा, तो फिर मैं 8 आयर एट ए टाइम खरीदूंगा, 1280 बन गया, बढ़िया। तो फिर मैंने सोचा कि अरे बस हो, बोला नहीं लेना ये प्रॉफिट इन लोगों से, जो 1350 जो देने वाले उनके जेब से नहीं लेना आपको प्रॉफिट, तो 100% मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। अभी 100% डिस्ट्रीब्यूट मैं कैसे करूंगा, मैं एडमिन चार्जेस निकालूंगा। अभी वो एडमिन चार्जेस क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए, जरा इस चीज को गौर करिए मैं क्या करने जा रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि जो वेबसाइट जो डोमेन जो मैंने खरीदा है उसका नाम है leo2407.com। ये मेरा वेबसाइट है, अभी अभी नहीं खुलेगा क्योंकि अभी इसका काम चल रहा है, 80% काम हो गया, प्राइवेसी रिफंड पॉलिसी वो सारा मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लिख के भेजना है मुझे, तब जाके पूरा वेबसाइट कंप्लीट होगा, मैं दिखाऊंगा जब वेबसाइट बन जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। अभी leo2407 ठीक है, ये वेबसाइट बन रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर आपका प्रोडक्ट चढ़ेगा। तो मुझे आप सब लोगों को एक बात पूछ, ध्यान से ये इस बात के ऊपर गौर करिए, आज आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन कहां कहां पे जाते हो, लेट मी एक वेबसाइट पे जाने दो, मुझे एक वेबसाइट पे मैं जाता जाके फिर मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको इस वेबसाइट पे ले जा रहा हूं, ये है ना फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट स्पेलिंग करेक्ट है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग कामयाब जो भी है, चलो ठीक है इसमें जाए, हाँ हाँ ठीक है। ये एक लॉगिन भी सेव दिया था इसमें करंट लोकेशन, ठीक है ठीक है। अभी जरा गौर करिए मैं जो आपको जब बताने वाला हूं, मुझे एक बात बताइए, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना, आप हम सब लोगों ने अपने जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा है ना, राइट। मैं ये इस वेबसाइट पे गया हूं अमेज़न पे, यहाँ पे देखिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो दिख रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या अमेज़न का मालिक ने डाला है, क्या अमेज़न का मालिक ने इसको डिजाइन किया है क्या, जरा गौर करिए इस चीज को। अरे भैया अमेजोन के मालिक ने डिजाइन नहीं किया है, अमेजोन का जो मालिक है उसके पास एम्प्लॉइज है, उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उसके पास वेब पेज डिजाइनर्स है, उसके पास कंटेंट डिजाइनर्स है, वो लोग डिजाइन कर, उसके पास रिसर्चर्स है जो रिसर्च करते हैं लोगों को कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और उन लोगों को तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, वो लोग डिजाइन करके ये पेज में डालते हैं। तो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरे जिगरो, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास स्किल नहीं है। आप ध्यान गौर करिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास स्किल नहीं है। आप हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हम वेब पेज डिजाइन करना नहीं जानते, हम रिसर्च करना नहीं जानते, लेकिन मार्केट में तो लोग पढ़े हुए ना, पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो लोग यार जॉबलेस है, जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, डिप्रेस है, परेशान हो गया, नौकरी जा चुकी है, भरे पड़े हैं लोग, क्या उन लोगों से हम काम नहीं करवा सकते हैं? अभी सुनिए मेरी स्ट्रैटेजी, आपकी होश उड़ने वाले हैं। अभी मेरी स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताता हूं, leo2407.com का ऑफिस होगा, और इस ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंटेंट डिजाइनर,
वेब पेज डिजाइनर, रिसर्चर, ये लोगों को, इन लोगों को मैं टीम्स में मैं एक कंपनी बनाऊंगा। अभी आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है इसका आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो अपना जो मेरा मतलब अपना, ठीक है, अपना जो रिसर्च का जो टीम होगा ना, वो रिसर्च का टीम रिसर्च करेगा भैया किस रीजन में, किस कंट्री में क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड चल रहा है वो करेंगे। वो लोग बताएंगे कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा डिमांड में, ये प्रोडक्ट हमें प्रमोट करना चाहिए, कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना प्रमोट, या शॉपिफाई में करना है, क्लिक बैंक पे करना है, इप्सी में करना है, क्योंकि दुनिया में बहुत से बड़े बड़े पोर्टल है ना, हम सारे पोर्टल के सब्सक्रिप्शन खरीद लेंगे, ले लेंगे हम, जहां जहां पे जो प्रोडक्ट है, ये जो अपना जो टीम होगा ना, ये टीम ये सारा करेगा। भैया वेब पेज आपको नहीं आता है, वेब डिजाइनर का टीम होगा, दो तीन लोग हम हायर करेंगे, उनको सैलरी रखेंगे, उनका काम होगा वेब पेज रिसर्च ने जो प्रोडक्ट बनाया बताया कि भी ये प्रोडक्ट अपने को बेचना है, उनका काम होगा कि वो प्रोडक्ट के ऊपर बढ़िया सा वेब पेज डिजाइन कर कर अपलोड करें, कंटेंट क्या लिखना है उसके ऊपर, बढ़िया सा सेंटेंस क्या लिखना है उसको लिखने के लिए हम कंटेंट डेवलपर को, डिजाइनर को हायर करेंगे, बढ़िया से बढ़िया सैलरी हम देकर ये पूरा एक कंपनी खड़ा कर, ये टीम खड़ा कर। अब ये टीम का काम क्या होगा, हमारे गारंटेड सेल्स में जितने भी आप लोग पैसे डाले, 1,350 जितने भी लोग यहाँ पे डाले, सर आप लोग मेरे स्टेक होल्डर्स हो, आप लोग मेरे पार्टनर्स हो, मेरे स्टेक होल्डर, जैसे आप बोलते हैं ना कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, आपको साल में एक बार डिविडेंड आता है, आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हो, राइट, तो आपको साल में एक बार आपको रिपोर्ट आता है कि भैया देखो ये कंपनी का इतना टर्नओवर हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में आपका शेयर इतना था, इतना वैल्यू था, उस वैल्यू के ऊपर इतना आपको डिविडेंड आया है बराबर, और आप हंसते खेलते वो डिविडेंड लेते हो। उसी तरह आप मेरे शेयर होल्डर हो, आप मेरे स्टेक होल्डर हो, आप मेरे पार्टनर हो, तो आपको ये सारा रिपोर्ट आपको आएगा कि भैया आपने जो 1,350 देकर जो आपने गारंटेड सेल्स में आपकी एंट्री आई है, उस 1,350 में कौन सा प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, किस रीजन में वो प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, हर महीने कितना माल बिका है और बिकने के बाद कितना प्रॉफिट आया है, सारा रिपोर्ट आपके पास आएगा, क्योंकि अपने पास अकाउंटेंट का अपने पास टीम होगा, उसका काम होगा पूरा सेल का पूरा डैशबोर्ड बोलते हैं ना, रिपोर्ट बनाकर जितने भी हमारे पार्टनर्स से, हमारे स्टेक होल्डर्स से, मतलब आप मेरे पार्टनर्स हो, आप लोगों के पास वो खबर जाए, आपको आपके 1,350 में कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, उसका पूरा एकदम, सर यहाँ ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये इसमें कोई मैल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, वो ऑफिस हमारा होगा, आपको एक्सेस होगा, आप उस ऑफिस में आके बैठिए, मीटिंग्स करिए, जो करना है करिए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। समझ रहे हैं आपको, अभी ये ऑफिस का खर्चा तो होने वाला है ना, ठीक है, तो वो है एडमिन चार्जेस, तो मैं नहीं जानता वे कितने खर्चे होने वाले हैं ऑफिस को खड़ा करने के लिए, लेकिन भैया अपने पास हम हजारों एड्स प्रमोट कर, हजारों लाइन लगने वाली है हमारे टीम में, कतार में लोग आएंगे कि यार तुम्हारे टीम के साथ हमको काम कर, या तुम गारंटेड सेल्स में यार लोगों को प्रॉफिट बना के दे, कतार में लोग आपके साथ जुड़ने को पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यार हमारे पास अपनी कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचती है। आप मुझे बताओ किसी भी एंगल से क्या आपको ये एमएलएम लगता है, किसी भी एंगल से, आप यहाँ पे प्योर बिजनेस करने वाले हो, आप 5 मिलियन सेल्स में आए, आपने गारंटेड सेल्स में अपना प्रोडक्ट अपना अपना 1,350 लिए, और आपको पता है कि भैया अभी मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होने वाला है रिसर्च टीम से, वो प्रोडक्ट बिकेगा और मुझे प्रॉफिट आएगा। अभी कितना एडमिन चार्जेस है मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कितना खर्चा, मंथली या ऑफिस का रेंट होगा, उनके जो स्टाफ है उन लोगों की सैलरी होगी, मेंटेनेंस होगा, काफी होगा, लेकिन फिक्र मत करिए, ठीक है,
एडमिन के अलावा मैं एक पैसा नहीं देने वाला किसी, क्योंकि यार मेरे टीम से मेरे आर्ट से आई विल बी गेटिंग इनफ। लेकिन ये एक ऐसा ऑफिस में खड़ा कर रहा हूं कि आगे चलकर हम अपना ऐप ही डेवलप करेंगे। पता कैसे होगा आगे कि भैया अपना ही ऐप है जो आएगा अपने 5 बिलियन सेल्स के फैमिली में, सर आ गए, वेलकम टू 5 बिलियन सेल्स फैमिली, सर वेलकम टू आवर टीम, चलो गारंटेड सेल्स में सर 1,350 डाल दो, भैया आपका प्रोडक्ट हमारे ऐप में चढ़ जाएगा और वो ऐप का लिंक हमारे गारंटेड सेल्स में 5 बिलियन सेल्स में आ जाएगा, प्रमोशन चालू। सर इतना हम सिस्टम को रोबस्ट कर देंगे, सिस्टम को इतना रोबस्ट कर देंगे, पूरा साइकिल को हम कंप्लीट कर देंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म्स आ गए, सारे प्लेटफॉर्म, मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ना यार एमएलएम से मैं थक चुका हूं। मतलब हम, मुझे एक बात बताइए, हम एमएलएम करते क्यों कर रहे हैं हम एमएलएम? क्योंकि हम सब लोग डे ड्रीमर्स हैं, या डे ड्रीमर्स से हम सब लोग हम एमएलएम क्यों करें? क्योंकि हम जानते हैं कि हम आईआईएम में, आईआईटी में हम बड़े बड़े पढ़ाई हमने नहीं किया है, हम जानते हैं हम किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास वो स्किल, हमारे पास वो पढ़ाई, हमारे पास वो नहीं, हुनर नहीं है, हम किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सपने देखना बंद कर दें। यार हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्किल क्या है, हम जानते हैं कि यार हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हम ढूंढते रहते हैं यार कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, या जिंदगी थोड़ा दो पैसे बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अपनी फैमिली को, अपने आप को अच्छी जिंदगी दे सकते, राइट? ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है ना किसी एमएलएम कंपनी में आने का। लेकिन क्या होता है, ये शुरुआत तो सब सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो जाता है इस एमएलएम कंपनियों को। पैसे बनने के बाद इन लोगों के तेवर बदल जाते यार। तो यहाँ पे ये एमएलएम नहीं है यार, अभी तक हम एमएलएम कर रहे थे, ठीक है भैया कोई हमारे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन आज हमारे पास आ चुका। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक कोलैबोरेशन है। हम नेटवर्किंग कर ही रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग के साथ साथ हम प्योर बिजनेस कर रहे हैं, प्योर बिजनेस। यहाँ पे आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को टोपी नहीं लगा रहे, किसी को झूठ नहीं बोल रहे, हम अपना रियल असली का प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं। और ये आप अपने लोगों को एंकरेज कर सकते हैं, सर बोला आप एमएलएम कर रहे हो ना, सर मैं आपको बताता हूं हम क्या कर रहे हैं, आप उनको बताओ 5 बिलियन सेल्स में, सर ये 5 बिलियन सेल्स का प्रोजेक्ट है, आप अपना डाटा वैलिडेट करते हो, आप फ्री इनकम लेते हो, आप गारंटेड सेल्स में आते हो, गारंटेड सेल्स में आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हो, और उस ऑनलाइन बेचने के बाद जो प्रॉफिट है वो सर आपको आता है। तो जैसे वो बोलेगा यार मैं तो बेचता नहीं हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट, मेरे पास कोई प्रोडक्ट, बोले सर काहे की चिंता, बिल्कुल चिंता मत करो सर, हमारे पास कंपनी है, हमारे पास एक टीम है जो ये सारा काम करता है। इसका मतलब क्या, आपके पास एक मार्केटिंग डिवीजन होने वाला है जिसका काम होगा ऑनलाइन प्रोडक्ट रिसर्च करे, वो प्रोडक्ट को डिजाइन करे, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करे। अभी बेचने का चिंता ही नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि 5 मिलियन सेल्स बोलता, भैया मैं तेरा प्रोडक्ट बिकवा के दूंगा, तू तेरा प्रोडक्ट तो लेके आ मेरे पास। आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? हो जाएगा कि यार ये कौन सा टीम है भाई जो इतने प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो करने जा रहा हूं पूरे दुनिया में, मैं बोल रहा हूं भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अपने टीम का डंका बजेगा, पूरी दुनिया में किसी टीम के पास इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे, उतने एडवर्टाइजमेंट, उतने एड्स हमारे टीम में हमारे पास होगा। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, मार्क माई वर्ड्स, वी आर गोइंग टू हिस्ट्री होगी। और मुझे मेरे साथ, मैं रखूंगा कुछ लोगों को मेरे साथ, क्योंकि मुझे मुझे मेरे राइट लेफ्ट लोग मुझे चाहिए ना जो मेरे साथ रहे। ये कंपनी खड़ी करनी, बहुत काम करना है यार। अभी ये कब होगा, आप सब लोग का ये सवाल होगा ना यार, ये सब कब होने वाला है? मेरा पहला पेयर, क्योंकि
बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है भैया, मैं कम से कम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जाने वाला है मेरा, क्योंकि भैया ऑफिस सेटअप करना है, फर्नीचर पूरा नो स्टाफ को हायर करना है, प्यून से लेकर रिसेप्शनिस्ट से लेकर पूरा बहुत बड़ा सेटअप है। मैंने कहा मेरे ख्याल से अगर मैंने एक ऑफिस ले लिया, नहीं नहीं करके 1 लाख का सिर्फ रेंट होगा, 1 लाख का महीने का रेंट होगा। तो ये सब तो मैं आप तो लोगों से अभी अभी नहीं लूंगा भाई, अभी नहीं लूंगा मैं, मुझे पहले इसको सेटअप करने दो। ये इसको मुझे आपको फिजिकली एग्जिस्टेंस में लाना है, अभी ये मेरे दिमाग में है, ये इसको मुझे लाना। तो ये कब आएगा? जब पहला पे आउट 13 जुलाई को, जब 13 जुलाई के पहले ही आ जाएगा पे आउट, आने के बाद इसके ऊपर काम चालू होगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ ना, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती हो गया, क्योंकि जुलाई मेरा काउंटडाउन है। अभी ये करने के लिए मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ। तो आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी, अपने दुआओं में रखिए। अगर ये सब कुछ ठीक हो गया तो जुलाई मेरा आखिरी महीना होगा मेरे जॉब का, क्योंकि हम अपनी कंपनी खड़ा करेंगे। वी ऑल विल बी द सीईओ ऑफ लियो 24/07.com। इस कंपनी के हम सब सीईओ होने वाले हैं, ये हमारी कंपनी होगी, हमारे पास ये लोग रहेंगे। इसका मतलब क्या यार, जरा सोच के देखो, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, लोगों को लाखों की सैलरी में, आपको 10-20 हजार की सैलरी नहीं बोल रहा हूं, अपने कंपनी में जो लोग आने वाले हैं ना, लाखों की सैलरी उनको उठाने वाले हर महीने। कितना आप अपना कार्ड बनाओ यार, leo2407.com। बोला सर इस कंपनी के मैं पार्टनर हूं सर, उस कंपनी में आप लोगों को बोल सकते हैं सर ये कंपनी मेरी है और हम ये प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। कैसा रहेगा आपका स्टेटस, कैसा रहे यहाँ पे, क्या आप MLM कर रहे हो यार, आप प्योर बिजनेस कर रहे हो, आपका जो टीम जो बढ़ने वाला है ना, मैं बता नहीं सकता कि आपका लाखों का, बोलते ना मैंने टारगेट क्या रखा था कि हर बंदे का कम से कम 1 लाख का टीम होना चाह रहे होगा, 4 करोड़ आपके हर साल बनने, मतलब बनने हैं एकदम क्लीन, जीरो लाइबिलिटी, जीरो ऑब्लिगेशन, जीरो इन्वेस्टमेंट से बनना है, मतलब बनना ही है आपका। ठीक है, तो आई होप आई एम, इफ ये आपके लिए ज्यादा नहीं हुआ है, आई होप आई यू अंडरस्टूड व्हाट इज माय गेम प्लान, मेरा गेम प्लान क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक सोच है, एक आइडिया आया है यार, वो कहाँ तक जाएगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक राह मिली है, एक राह मिली है कि एक प्रॉपर लेजिटिमेट एथिकल बिजनेस करने का चलते हैं ना, साथ चलते हैं, देखते कहां तक ले जाएगा। जहां तक मेरी नजर जाती है ना, पता नहीं क्या बताऊं आपको, हमारे द्वारा पता नहीं कितने लोग लखपति और करोड़पति होने वाले हैं, ट्रस्ट मी, इतने लोग लखपति करोड़पति, मैं खुले आंखों से, मतलब विथ माय ओपन आईज आई कैन सी व्हाट इज कमिंग आवर वे, मुझे दिख रहा है। सो कमिंग मंथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जून जुलाई जस्ट छोड़ दीजिए अपने आप को और टीम खड़ा करो। अभी अगर आपने टीम नहीं खड़ा किया, अभी अगर आप गारंटेड सेल्समैन नहीं आए, ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं आए, अरे आएंगे, मार्क माई वर्ड्स, जिस दिन ये टीम खड़ी हो गई, जिस दिन ये कंपनी खड़ी हो गई ना, कंपनी के बाहर कतार में लोग क्यू में पैसा लेकर तैयार रहेंगे। लेकिन उस वक्त शायद स्ट्रेटेजी अलग होगी, शायद जो परसेंटेज है वो अलग होगा, क्योंकि भैया अपने को कंपनी खड़ी करनी है, अपने को रन करना है, पता नहीं कितना खर्चा होने वाला मालूम नहीं है ना, तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाएगी तो अपना खर्चे भी तो बढ़ने वाले हैं। तो उस वक्त शायद 100% नहीं, शायद 90%, शायद 80%, लेकिन वो भी बहुत बड़ी रकम होगी उन लोगों के लिए। बोलते ना, हम सब अर्ली बर्ड्स हैं, हम सब अर्ली बर्ड्स हैं, और हम लोग फाउंडर्स हैं, राइट? तो फाउंडर्स लोगों का तो बेनिफिट ज्यादा ही होता है ना, राइट? तो जब बाद में जो लोग आने वाले हैं, डेफिनेटली उनको भी बहुत फायदा होने वाला है, 1000 गुना मिलने वाला है उनको भी, हजारों गुना। ठीक है, लेकिन उस वक्त फिर अपने को आइडिया आ जाएगा ना कि भैया हाँ, मेरा महीने का अपना
कंपनी का लियो 24/7 का महीने का खर्चा कितना है भाई, ये आप लोगों को आइडिया आ जाए, क्योंकि एक ऑफिस नहीं होगा, लेट मी टेल यू, बैंगलोर में ऑफिस होगा, पहला ऑफिस होगा बैंगलोर में, फिर हम चलेंगे पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, अब एवरी टीयर वन सिटीज में हमारा अपना ऑफिस होने वाला, लियो 24/7.com का ऑफिस, मतलब क्या आप जहां जाओ बोले भैया ये मेरी कंपनी है, हमने मिलकर ये कंपनी खड़ी की है, और काम क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट को हम, हमारा टीम रिसर्च करता है प्रोडक्ट, अरे जरा सोच के देखिए, जब दूसरे कंपनी को पता चलेगा यार ये कंपनी जो इतना सारा लोगों के प्रोडक्ट बिकवा के दे रही है, अरे कंपनियों के मालिक की कतार लग जाएगी हमारे कंपनी ऑफिस में आने की, यार हमारा प्रोडक्ट है, इट्स गुड टू हैपन ठीक है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस, कि 1350 जो आप दे रहे हैं सर, आप मेरे स्टेक होल्डर हो, आप मेरे पार्टनर हो, मेरी जिम्मेदारी है कि वो 1350 का आपको एक ऐसा रिटर्न दूं कि आज तक किसी कंपनी में, किसी कंपनी ने आपको दिया, और वो भी एकदम किसी को टोपी लगा के नहीं, किसी की जैसे पैसे निकाल के नहीं सर, प्योर बिजनेस करके, ठीक है, ग्रेट। तो अभी वो डाउट 9 बजे है, मैं सेशन को क्लोज करता हूं, और मैं आप लोगों की मन की बात सुनना चाहता हूं, कि ये जो मैंने आइडिया जो रखा है सर, इसके ऊपर आपकी मन की बात क्या है, आपको समझ में आया, और ये जो हम जो करने जा रहे हैं सर, ये क्या अच्छी सोच है, क्या ये लोगों के भले के लिए है, इसके बारे में आप अपनी मन की बात रखिए। थैंक यू।